मिस्टर बुक्का, चार बार बुला रही हूँ तुमको, सुनने ही नहीं दे रहे हो तुम। वो वहाँ पे नेट लगे हुए हैं, उतारे ही नहीं हमने। उतारने थे? आई डोंट नो, वो गीले हो रहे हैं, पता नहीं, वो या तो साफ हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। वो तो वैसे भी चलो कोई नहीं है, पुराने हो गए थे। हाँ, वैसे तो वो साफ हो जाएंगे ऐसे कुछ। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं, इसलिए हमारे घर को पेंट कर रहे हैं। अंदर सफाई होना हो, बाहर तो सफाई होनी चाहिए। वो भी दिवाली मनाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बाल जो है मेरे थोड़े सफेद हो रखे हैं, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, मेरी कॉल्स ऑफिस की, मुझे घर का काम करना है, मुझे जर्मन भी सीखनी है, पागल हो रखी हूँ। मुझे कैमरा भी इतना ऊपर रखना है कि मेरा सिर्फ गर्दन है। नहीं, उसके बाद मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, मुझे सब करना है। आई हैव टू बी लाइक मल्टी कल्चरल, मल्टी वर्क, मल्टी आर्बाइट, द परफेक्ट इंडियन बहू, जिसको सब करना चाहिए, जो जिसकी सास में हो ना यहाँ पे। हाँ, सास की कोई कमी नहीं है, पति की भी, सबकी कमी मैं पूरी कर देता हूँ। हाँ। चिंता मत कर। वो क्या, आजकल मैं कौन सी म्यूजिक सुन रहा हूँ? कौन सी? वो जो इंस्टाग्राम में नहीं चलते हैं, वो जो करके, अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी ना किसी किसी बंदे का ऐसा गाना मस्त फेवरेट चला जाता है, जैसे मनी के मांगे हिट। कभी जिंदगी में मैं नहीं सोचूंगा, बट वो ये इतना हिट चला गया तो फिर गाना सुन के बैठो, अब क्या पूरा गाना कैसा लगता है? पूरा गाना भी अच्छा ही होता है। इतने रील्स भी तो बन जाते हैं कि सारा दिन वही गाना चलता है। हाँ, फिर वो दिमाग में घुस जाता है, फिर वो एक्चुअली वो कैची म्यूजिक भी होना चाहिए ना, बिना कैची म्यूजिक के तो होगा नहीं। पंजाबी म्यूजिक क्यों चलते? पंजाबी म्यूजिक का अच्छे होते हैं, पंजाबी म्यूजिक के एक दो लाइन कैची होते हैं, फिर उसके बाद ना फिर वो पता नहीं उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद एक दो लाइन दोबारा आ जाते हैं, फिर वही तो आप गुनगुनाते भी वही हो, जितना पूरा गाना नहीं गुनगुनाता कोई। पूरे गाने में होते ही वो चाइल्ड लाइन है जो रिपीट होती है। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी क्लास भी अटेंड करूँ, घर के भी काम करूँ। पिछले एक घंटे से कान में दम करके रखा है, तब से जंग निकाल निकाल के परेशान हो गया। जंग निकालना तुमको, माता खराब किया हुआ है। एक ग्लास चावल तो उसमें दो ग्लास पानी, राइट? हाँ। और ये चावल तुमने भिगो रखे हैं, वहां पे सब्जियां हैं। आज मेरी बारी है खाना बनाने की। आज एक नया तरीके का पुलाव बनेगा, वेजिटेरियन पुलाव। ये पुलाव आपने कभी नहीं खाया होगा लाइफ में, मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। वेजिटेरियन नहीं खाया ना तुमने? मेरे को पता था तुमने वेजिटेरियन पुलाव नहीं खाया, तो आज मैं आपको वेजिटेरियन पुलाव बना के दिखाऊंगा कि ये इतना आसान डिश है, अगर आपने लाइफ में कभी भी नहीं खाया तो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। मतलब वही तो रेज्यूमे में लोग क्या करते हैं, तुम चाहे एक्सेल में काम किए, वर्ड में काम किए, बोल देते हो जावा का ए टू जेड आता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू आती है तो फिर लग जाती है बाकी। गाजर है, मटर है, यहाँ पे प्याज, सॉरी टमाटर, प्याज है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपने पहले नहीं किया है तो मैं आज आपको अच्छे से दिखाऊंगा इस चीज को दोबारा। दोस्तों हमने गैस को ऑन कर दिया है, ये देखिए ये गैस का नॉब है, इसको थोड़ा सा नीचे करके घुमाएंगे तो यहाँ पे आग चालू हो जाएगी, और आग जैसे ही चालू होगी तो आप उस प्रेशर कुकर बिठा दीजिए ताकि इसको गर्म होने दीजिए, और इसमें हम डालेंगे तेल। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसे कहते हैं तेल, ये जो पीला पीला सा मिलता है प्लास्टिक के बॉटल में, इसको तेल कहते हैं। इसको ऐसे उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। खोलो। आज तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, देखते हैं तुम्हारी स्पेशल। वाह, क्या है मसाला? कभी नहीं खाया ना तुमने? ये मसाला पुलाव है। इतना मसाला ऊपर में है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तुम ही बनाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, खिले खिले बने। हाँ बस, कभी नहीं खाया ना तुमने? आज पहली बार खिला। चलो चलो, ड्राइविंग मत करो। कल मैंने ये नितिका से भी करी थी,
तो मेरे को लगा कि आपसे शेयर करूं, और वो ये है कि ये क्या आ गया, अभी काम खत्म किया था, अभी फिर से काम आया गया। अच्छा नहीं, हाँ 10 मिनट में मीटिंग है, अगर 10 मिनट में मीटिंग है बात कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हो, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपके पास सर्टन क्वालिटीज होनी चाहिए। 5 ऐसी क्वालिटीज जो मैंने कल सुनी थी उसमें से, अरे भैया रुक जा, आ रहा हूँ। 5 ऐसी क्वालिटीज मैंने सुनी थी, तो उसमें से एक क्वालिटी ये था, एक्सेप्टेंस फॉर चेंज। उसमें बड़ा ही फैक्टर था एक्सेप्टेंस फॉर चेंज, मतलब कि यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द चेंज इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट इन योर लाइफ, एंड दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन। सो मतलब कि ये, इसका मतलब ये है कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कोई भी चेंज आराम से निकाल सकते हो। तो उसमें एक एग्जाम्पल चील का था। चील जो होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 70 ईयर्स, जिसमें वो पहले के 40 ईयर्स तो आराम से हंट करके कर लेता है, बट उसके जो नेक्स्ट 30 ईयर्स होते हैं इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल। हाउ, कैसे होता है कि वो 40 साल तक जब हंट करता है तो उसके क्लॉज जो हैं, उसके जो बीक जो हैं, दैट गेट्स वीक ओवर द टाइम। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, कुछ चील जो उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, दैट कम्स आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, दे एवेंचुअली डाई, बट सम दे स्टे, दे सर्वाइव अंटिल 30 ईयर्स मोर। एंड हाउ डू दे डू इट, व्हाट हैपेंस इज, आपके बीक वीक हो गए 40 ईयर्स के बाद, तो आप हंट नहीं कर पा रहे हो, कुछ वो नहीं कर पा रहे हो। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 150 डेज, एक चील किसी माउंटेन टॉप या कहीं पे भी जाके, इट ट्राइज टू कॉन्स्टेंटली हिट इट्स बीक एट अ स्टोन और समथिंग टू गेट रिड ऑफ इट बीक, क्योंकि वो जब हिट करके वो तोड़ देगा तो वहां से नई बीक उसकी ग्रो होगी, एंड फिर वो नए बीक से अपने जो पुराने क्लॉज है उसको भी तोड़ देगा ताकि उसके नए क्लॉज निकले, एंड सारे फेदर्स हैं उनको भी निकाल देगा ताकि नए फेदर्स निकले। And that is how this whole process takes place in the span of 150 days. So, 40 साल के बाद एक ईगल को ये चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, and that is how it survives the next 30 years of its lifespan. So, this was a very informed, very interesting information for me. मैं लोगों को शेयर करने हैं। और भी दो चार थे, जैसे कि सैक्रिफाइस करना चाहिए आपको, और क्या क्या करना चाहिए आपको, यू शुड बी एबल टू सैक्रिफाइस, यू शुड बी सेलेक्टिव अबाउट योर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली स्ट्रांग पीपल। बाकी बाद में, अभी मीटिंग है। कि मेरी जो टीचर है ना, वो ना सबसे पहली बार जापान गई थी 1979 में, तो बताई थी कि वहाँ पर ट्रेन में जब वो गई थी, वहाँ की लोकल ट्रेन अभी जितनी फास्ट उतनी फास्ट नहीं होती थी, तो उसमें गई और वहाँ पे ना एक तो जापानीज आर शॉर्ट राइट एंड जर्मन आर टॉल, तो एक बूढ़ी औरत आके बैठी और वो ना अचानक से उसके ऐसे हाथ लगाए, क्योंकि उसने कभी कोई फॉरनर नहीं देखा, कोई यूरोपियन नहीं देखा था अपनी लाइफ में, तो वो मतलब इतनी फैसिनेटेड हो गई थी, शायद वो गोरी स्किन या फिर जैसे, किस साल की बात है, 1979 की बात है। सब चीजें इज नॉट वेरी नॉर्मल इन जापानीज कल्चर, मतलब वो लोग ना छूते नहीं किसी को, मतलब, और ना वो बहुत हाइजीनिक होते हैं लोग जापान में, अभी का नहीं पता मुझे, लेकिन 2 या 3 बार नहाते हैं, ब्रश तो वो आफ्टर एवरी मील ब्रश करते ही, वो बहुत ज्यादा ब्रश करते हैं, बहुत ही ज्यादा साफ सफाई की, ध्यान से चलना नीचे, बहुत आज का जो डिनर है वो है ये श्निट्ज़ल और टोफू। वी सील टुमारो, 1, 2, 3 ऑफ वीडर्स। इट्स ऑलराइट।